हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस के फैशन डिज़ाइनर में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बताऊंगी, जो कि हम कुर्ती के दामन पे भी बना सकते हैं, बाजू पे और पैंट प्लाजो पे भी हम ये डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बाजू के ऊपर ये डिज़ाइन बनाऊँगी। बाजू की मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई गत्ते का पीस, हमने गत्ते का टुकड़ा ले लेना है उसको। ये देखो, इतना सा पीस मैंने लिया है, तो 4x4 का मैंने ये लिया है। जितना भी बड़ा आपने पैटर्न बनाना है उसी के हिसाब से आपने गत्ता लेना है। और इस पर एक जो मैंने इसकी पत्ती की शेप जो मैं ड्रॉ कर लूँगी इसके ऊपर, ये देखो, हल्का सा यहाँ से घुमा के और ऊपर को ऐसे देखो, ऐसी वाली जो है हमने शेप दे लेनी है। तो ये मैंने 3 इंच की मेरी ये पत्ती बनी है। अब नीचे से हमने देखो 1 इंच छोड़ के, ये देखो आधा इंच छोड़ के ऐसे एक निशान लगा लेना है यहाँ तक। यहाँ तक देखो मैंने निशान लगाया है, तो आप पैटर्न को ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है, ये देखो, बीच में से इसको कट कर लूँगी पहले। ये देखो ऐसे हमने इसको बीच में से पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, जो हमने पत्ती की शेप दी थी, ये देखो। अब हमने जो 1 इंच का और निशान लगाया था आधे इंच का, उसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखो ऐसे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा जो है पैटर्न जो तैयार हो गया। इसके साथ ही हम सारा जो है डिज़ाइन जो है ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ऐसे आएगा। अब हमने बुकरम का एक मैंने पीस लिया है, जो कि 4 इंच चौड़ा है, और लंबाई इसकी उतनी लेनी है जितना हमारा बाजू की मोरी है, या पेंट प्लाजो पे आप बना रहे हो उसी के हिसाब से इसकी चौड़ाई लेनी है। और ऊंचाई जो है इसकी मैंने 4 इंच ऊंचाई ली है बुकरम की। अब ये देखिए, जो पैटर्न हमने बनाया था उसको हमने देखो कैसे रखना है, ऐसे रखेंगे और पेन या पेंसिल लेके, कोई भी पेन या पेंसिल लेके, ये देखो ऐसे निशान लगाते जाएंगे। नीचे जो हमने कट वर्क आएगा हमारा, उस पर मैंने निशान लगा लिया, और ऐसे ही बीच में से सारा डिज़ाइन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। जो पत्ती का आकार है पूरा, ये देखो, गत्ते के साथ साथ करके हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए अब आगे हमने कैसे रखना है, बिल्कुल जोड़ के नहीं हमने रखना, थोड़ा सा गैप रखना है, जैसे एक पॉइंट का यहाँ से हमने गैप रखना है थोड़ा सा, बिल्कुल जोड़ के नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने कटिंग करनी है ना। जब कटिंग करेंगे तो फिर कटिंग जो है इसकी सेटिंग अच्छी नहीं आएगी। हल्का सा एक पॉइंट का हमने गैप रख के आगे से बस सेम इसी तरीके से पूरा ड्रॉ करते जाना है, और पैटर्न हमने जो है ये रेडी कर लेना है। ये देखिए ऐसा ही सारा जो है हम इसको रेडी कर लेंगे। तो हल्का सा गैप रखना है, देखो जब भी हम रखेंगे ना थोड़ा सा गैप रखेंगे यहाँ से, और बिल्कुल बराबर करके हमने जो है इसको सारा पैटर्न को तैयार कर लेना है। जो बुकरम के ऊपर हम ये पैटर्न पूरा बनाएंगे वो हमारा बिल्कुल साफ, बिल्कुल एक्यूरेट बनना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं आना चाहिए, तभी हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल अच्छा आएगा। तो ये देखिए ऐसा मैं सारा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, ये देखो इसकी कटिंग करनी है। तो नीचे से पहले हम कटिंग करेंगे, जो हमने कट वर्क बनाया है नीचे वाली साइड पे, उसको पहले मैं कटिंग कर लूँगी इसकी, और फिर बीच में से कट करेंगे। ये देखो बीच में हमने हल्का सा कट लगाना है। अब छोटी सीज़र लूँगी मैं, ये देखो, इसके साथ पूरा इसको, जो पत्ती की शेप बनाई है हमने उस पत्ती को हमने पूरा कट कर लेना है। ये देखिए ऐसे हमने पूरा बराबर करके सभी पत्तियां जो है बीच में से कट कर लेनी है। ये देखो हल्का सा बीच में ऐसे कट लगाएंगे, और जैसे भी हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल पेंसिल का जहाँ पे हमने निशान लगाया है ना उसी के साथ साथ इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। तो ये देखिए पैटर्न हमारा जो है बनके तैयार हो गया है। अब हमने जो बाजू या ट्राउजर जिस पे भी आप बना रहे हो उसको लेंगे, मेन फैब्रिक को, और उस पर प्रेस के साथ इसको पेस्ट कर लूँगी।
तो ये देखिए बाजू पे मैंने इसको चिपका लिया है अपने पैटर्न को जो हमने तैयार किया है। अब देखिए आगे हमने क्या करना है। अब ये जो कपड़ा है पत्ती के अंदर जो आपको कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे, हल्का सा बीच में एक कट लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के बाकी कपड़ा जो है कट कर लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने कट नहीं करना है। ये देखिए इतना इतना कपड़ा हमने छोड़ना है बीच में, ये देखो। और यहाँ से हल्के हल्के कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ये देखो ऐसे हमने पूरे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और जहाँ पे गुलाई है वहाँ पे भी अच्छे से कट लगाने हैं। तो सभी जितनी भी पत्तियाँ मैंने बनाई हैं सभी को मैं ऐसे ही कट करके और छोटे छोटे कट लगा के और ये जो ग्लू स्टिक होती है ना, ग्लू स्टिक की हेल्प से मैं इसको ये देखो बुकरम के ऊपर लगाऊंगी ग्लू, और जो फैब्रिक है उसके ऊपर भी मैंने ग्लू लगा ली है। और ये देखो ऐसे फोल्ड करके हमने इसको अंदर बाहर वाली साइड बुकरम वाली साइड को फोल्ड करके सारा कपड़ा जो है इसको चिपका लेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे कट लगा के और ऐसे पूरा चिपका के पूरा मैं तैयार कर लूँगी और सभी पत्तियों को ऐसे ही मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ये पत्ती की शेप बन गई है। तो ये देखिए सभी पत्तियाँ जो है मैंने कट कर ली हैं, ये देखो कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बन गया है फिनिशिंग के साथ। अब आगे देखिए हमने क्या करना है। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसको कि मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखो ऊपर वाली साइड से। तो नीचे मैंने पट्टी रख ली है, ये देखो। अब यहाँ से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा हमारा हिले नहीं। और ये जो हमने कट वर्क बनाया है इसके साथ साथ हमने अब सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है और बुकरम के ऊपर हमने सिलाई जो है नहीं लगानी है, बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है जैसे भी हमने ये कट वर्क बनाया है। अगर आप ऐसे कट वर्क बनाओगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका जो है कट वर्क बन के तैयार होगा। तो ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पे बनाओगे तो अब भी बहुत ही अच्छा लगेगा और कुर्ती के दामन पे और बाजू पे भी आप बना सकते हो। तो कैसी भी डिज़ाइनिंग आप इसके साथ कर सकते हो, डिज़ाइन करने का ये बहुत ही प्यारा सा तरीका है। और अगर आपके पास जो पुरानी लेस होती है ना कोई वो पड़ी है या कोई पैचेस आपके पास पड़े हैं उनका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास एक पुरानी लेस है जो कि आजकल ट्रेंड में नहीं है, तो जो चीज़ें जैसे होती हैं ना वो ट्रेंड में नहीं होती हैं तो उनको हम रीयूज़ करके अलग सी डिज़ाइनिंग उनके साथ करके उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही सारा मैं कंप्लीट करके, ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के। ये देखिए ऐसे इतना इतना मार्जिन छोड़ के हमने सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे वाली साइड से कट कर लेंगे और कट के बीच बीच में देखो फिर कट लगा लेंगे। ये जो हमारा कट वर्क बना है ना जो कोने हैं इनमें कट लगा लूँगी, ये देखो ऐसे छोटे छोटे से हमने कट्स लगा लेने हैं। और कट लगाते वक्त बस हमने एक बात का ही ध्यान रखना है कि कहीं हमारी सिलाई ना कटे। अब देखिए ये मेरे पास एक लेस है, इतना सा पीस मेरे पास पड़ा हुआ था जो कि इसका मैं यूज़ करूँगी। ये देखो तो ये जो पत्ती हमने बनाई थी ना, ये देखिए उसी के हिसाब से हमने इसको कट कर लेना है। पत्ती को मैंने ऊपर रखा है, आप चाहो तो निशान लगा के भी इसको कट कर सकते हो। ये देखो ऐसे ही बराबर करके हमने सभी पत्तियाँ जितनी भी मुझे चाहिए सभी को मैं कट कर लूँगी। तो ऐसे क्या है कि लेस भी हमारी ये यूज़ में आ जाएगी जो कि छोटा सा पीस पड़ा था। और यहाँ पे अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे आप नेट भी लगा सकते हो और कोई जैसे कोई प्रिंट कपड़ा हो, जैसे आप मैचिंग सूट कोई भी बना रहे हो प्रिंट कपड़ा है आपके पास या कोई कंट्रास्ट है तो उसके साथ भी आप ये डिज़ाइनिंग जो है कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी पीसेस जो हमने कट कर लेने हैं फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इनको लगाएंगे इसके ऊपर अपने पैटर्न के ऊपर कैसे इनको हमने लगाना है। ये देखिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब देखिए मैं फैब्रिक ग्लू के साथ इसको चिपका दूंगी। तो फैब्रिक ग्लू जो है वो हमने बुकरम के ऊपर लगानी है,
ये देखो बुकरम के ऊपर ही हम लगाएंगे दूर दूर करके, क्योंकि बाद में हमने सिलाई भी लगानी है। तो इसको देखो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं चिपका लूँगी। ये देखिए, तो ये जो मैंने लेस के पीस रखे हैं उल्टे करके रखे हैं, ऊपर वाली साइड को इसका उल्टी साइड है और अंदर वाली साइड को सीधी साइड है। तो नीचे वाली साइड आपने सीधी साइड रखनी है और अपनी तरफ जो है उल्टी साइड करके इनको सभी पीसेस को चिपका लेना है और इनको सूखने देना है थोड़ा। अगर आपके पास ये देखो, तो ये अब सूख गया है। देखो अब हमने इसको, ये देखो सूख गया है, तो ये देखो कट भी हमने छोटे छोटे लगा लिए हैं। अब हमने इसको उल्टा लेना है, सीधा करना है। कट्स जो हैं हमारे उनको हम ये देखो उल्टा लेंगे और बहुत ही आसानी से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पैटर्न जो है, डिज़ाइन जो है, ये बनके तैयार हो जाएगा। और इस पर सीधा करके मैं ज़रा प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लूँगी ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए प्रेस मैंने कर लिया है, कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है। ये देखिए आप खुद देख लीजिए कितना अच्छा ये पैटर्न हमारा बनके तैयार हुआ है। और जो इसका नीचे वाली साइड है ना, यहाँ पे पहले मैं सिलाई लगा दूँगी और बिल्कुल जो हमने ये पत्ती रेडी की है ना, इसके साथ साथ हमने बारीक सी सिलाई लगानी है। बिल्कुल धीरे धीरे करके अच्छे से हमने गोलाई बना के सभी जितनी भी हमारी ये पत्तियाँ हैं सभी पे ऐसे ही देखो धीरे धीरे करके गोलाई बना के और सिलाई लगा देनी है। इसके साथ ही बिल्कुल पक्का हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और फिनिशिंग भी इसकी अच्छी आ जाएगी। तो सभी पत्तियों पे पहले मैं ऐसे ही देखो सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे ही फिनिशिंग के साथ हमने जो है सारी पत्तियों को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए सभी पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखो धागे वगैरह इसके फिनिश कर लेंगे और ये डिज़ाइन हमारा जो है बनके रेडी हो गया है। और नीचे वाली साइड देखो ऐसे करके आप इसको हेमिंग भी कर सकते हो या सिलाई भी लगा सकते हो। फोल्ड मैंने पहले से ही कर रखा है, अगर फोल्ड ना किया हो तो ऐसे आप फोल्ड कर सकते हैं बाद में। ये देखो ऊपर से अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, अगर हेमिंग करना चाहते हो तो आप हेमिंग भी कर सकते हो। तो ये देखिए बनके कुछ इतना इस तरह का आएगा ये। तो पैंट पे भी, पैंट प्लाजो पे भी बहुत सुंदर लगेगा और बाजू पे भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।